हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी गणित की सातवीं क्लास की वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि 15 अक्टूबर के लिए आई है। तो बेटा, हम इसमें पढ़ेंगे रेखाएं तथा कोण के बारे में। रेखाएं तथा कोण के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि इस अक्षर के दोनों रेखाओं के एक दूसरे के बिंदु पर काटती है, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं। इस प्रकार की रेखाओं को प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। कहता है, जो एक्स होता है, ऐसे देखिए एक्स, ये एक ही बिंदु पर काटती हैं, और इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ फिगर बना रखी है, क्या आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं। अब देखिए दूसरी हम पैरा पढ़ते हैं। कहता है, अपने कमरे के कोने को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि दीवार पर, दीवार और आंगन के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। अतः यदि दो रेखाओं के मध्य कोण 90 डिग्री हो तो उन रेखाओं को लंबवत रेखाएं कहते हैं। देखिए दीवार हमारी इस तरह से होती है, और दीवार ऐसे होती है, और ज़मीन हमारी इस तरह से होती है, ठीक है बेटा। ये तो कितने का कोण होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये तो ये 90 डिग्री का जो कोण बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दीवार और जो फर्श जो होता है हमारा, एक दूसरे को क्या होते हैं, लंबवत रेखाएँ होती हैं। क्या होती हैं बेटा, लंबवत रेखाएँ होती हैं। तो अब आगे देखते हैं बेटा। अब तीसरे पैरे में हमसे ये कहा है उसने, क्या आपने कभी अपनी कॉपी की दो रेखाओं को ध्यान से देखा है, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को दो अलग अलग स्थानों पर मापिए। जो कॉपी की रेखाएं हो, लाइनें होती हैं कॉपी के ऊपर, उनको चाहे यहाँ से नापे, चाहे यहाँ से नापे, चाहे यहाँ से नापे, चाहे कहीं से भी नापे, उनके बीच की दूरी सदैव क्या रहती है, बराबर रहती है। कहते दोनों ही जगहों पर, दो जगहों से नापेंगे आप, इन दोनों ही जगहों पर मध्य की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, समान होगी। अतः ये रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। जब दो रेखाओं के बीच की सदैव बराबर है दूरी, तो वो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी। इस प्रकार की रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं, और वो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है और वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, क्या कहलाती हैं बेटा, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे बेटा रेल की पटरियां, आपकी रेल की पटरियां क्या होती हैं, वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। अगर एक मुड़ती है तो दूसरी भी उसी तरह मुड़ जाती है, ठीक है, ताकि रेल पलटती नहीं और पहिए उनके ऊपर चलते रहते हैं, रेल के पहिए, उनके बीच की दूरी चाहे कहीं से भी देखिए क्या रहती है, सदैव बराबर रहती है। तो वह रेखाएं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, उनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है, क्या कहलाती है बेटा, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम आगे क्या है। तो देखिए बेटा आगे क्या है आपका, आगे आपको दे रखा है, कहता जब कोई एक रेखा, जब कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह उन दोनों रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। इस प्रकार की गिरने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। देखिए जैसे कि ये रेखा है, दो रेखाएं हैं, इनको एक रेखा ने इसने काट दिया, तो ये जो बिंदु हैं अलग अलग बिंदुओं पर काटते दोनों रेखाओं को, तो ये जो रेखा आपने खींची है, यह रेखा बेटा क्या कहलाती है, आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। वह रेखा जो दो रेखाओं को काटती, क्या कहलाती है बेटा, तिर्यक रेखा कहलाती है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं अब हम, आगे क्या है हमारा, देखो बेटा आगे उसने हमसे कहा, कहता निम्न चित्रों में बने हुए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की आकृति को ध्यान से देखिए कि दो समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखा द्वारा बने हैं। दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा के द्वारा बना हुआ, ये दोनों तो क्या आपके समांतर रेखा है, और ये आपकी क्या बेटा, तिर्यक रेखा, ठीक है। तो हम इनको देखते हैं क्या है बेटा, इसके अंदर, इसके अंदर हमें एफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये एफ है, और इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, जेड, और इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले वाले में एफ, जेड और एक्स दिखाई दे रहा है। तो देखो बेटा अब हम क्या करेंगे इसमें, कहता है अक्षर एफ के द्वारा बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। अक्षर एफ के द्वारा जो कोण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, संगत कोण कहलाते हैं। कौन कौन से ऐसे, तथा ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। साथ ही अक्षर एफ द्वारा तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहले बाद में करते हैं इसकी, पहले हम देखते हैं संगत कोण कौन से होते हैं। तो बेटा देखिए ये कोण, ये समांतर रेखा के ऊपर है, ये भी कोण समांतर रेखा के ऊपर है, एफ के द्वारा बने हुए, ये भी ऊपर, दोनों कोण ऊपर है, तो एक और दो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे बेटा, ये क्या होंगे हमारे, बराबर कोण होंगे, और ये संगत कोण होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ऊपर हो, ये दोनों नीचे भी हो सकते हैं बेटा, कहाँ हो सकते हैं, नीचे, ये यहाँ पर हो और ये यहाँ पर हो, ये एक और ये दो, तब भी ये कोण क्या होंगे बेटा, संगत कोण होंगे और ये बराबर होते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इधर साइड हो, इधर भी हो सकते हैं, ये तीन और इधर चार,
होंगे, अगर ऊपर है तो ऊपर और नीचे है तो नीचे, तो तीन बराबर भी क्या होगा बेटा, चार संगत कोण होगा। फिर उसने कहा कि अगर तिरेक रेखा एफ के द्वारा तिरेक रेखा के एक ही ओर बने, कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि समांतर रेखा के बीच में एक ये और एक ये एफ के द्वारा इनके बीच में बनना है एफ के, तो ये जो कोण होते हैं एक और दो समझिए, इन कोणों का जोड़ बेटा, इन कोणों का जोड़ जोड़ बेटा कितना होता है 180 डिग्री होता है, और ये कहलाते हैं अंतर्विमुख कोण। अब जरूर नहीं कि ये यही होंगे आपको, ठीक है, कोण दो इधर भी हो सकते हैं, ये कोण तीन और ये कोण चार, तो इनका जोड़ भी कितना होगा बेटा, इनका जोड़ भी 180 ही होगा आपका, ठीक है ये। तो अब देखिए हम जेड के लिए देखते हैं, जेड क्या कहता है, जेड कहता है हमसे कि जेड बन रहा है, अक्षर जेड के अंदर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, तथा जब ये रेखा समांतर हों तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जेड है बन रहा है भाई जी, समांतर रेखाओं के बीच में जेड बन रहा है, तो ये कोण हैं आपके एक और दो, ये आपके बराबर होते हैं बेटा, एक बराबर होता है दो के, और ये कौन से कोण कहलाते हैं आपके, एकांतर कोण बेटा, कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि एक बराबर दो हो, इधर तीन या इधर चार भी हो सकता है, उल्टा जेड भी बन सकता है आपका, ठीक है ऐसे, ठीक है, तो ये भी एकांतर कोण होगा। अब देखिए आपका आखिरी कहता है वो जिसमें एक्स बन रहा है, कहता है अक्षर एक्स के द्वारा बने कोण शीर्षमुख कोण कहलाते हैं, तथा एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक्स के द्वारा जो कोण बनते हैं शीर्षमुख कोण कहलाते हैं, कौन कौन से, जैसे कोण एक और ये कोण दो, ये आपके शीर्षमुख कोण कहलाएंगे और ये बराबर होते हैं, ठीक है बेटा, कोण एक बराबर होता है कोण दो के, और ये आपके आपके कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है, और ये बराबर। इसी तरह से तीन बराबर किसके होगा बेटा, तीन बराबर होगा चार के, तीन बराबर किसके होगा आपके चार के होगा, तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, ठीक है बेटा। अब आपके अभ्यास के प्रश्न है, अभ्यास के प्रश्न हम देखेंगे बेटा बोर्ड पर, ठीक है, तो आगे देखते हैं हम बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है। तो देखिए बेटा प्रश्न एक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा बोर्ड पर, एक फिगर आपको दे रखी है इस तरह की, कहता है इसके अंदर संगत कोणों का युग्म ज्ञात कीजिए, शीर्षमुख कोणों का युग्म ज्ञात कीजिए, एकांतर कोणों का युग्म, और एक ही तिरेक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। तो पहले बेटा संगत कोणों का युग्म, संगत कोण आपने पढ़े थे अभी कि संगत कोण कौन से बेटा, जो जेड एफ बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, जो एफ बनाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं जी, संगत कोण होते हैं, जो क्या बनाते हैं आपका एफ बनाते हैं वो आपके क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं संगत कोण अस्तित्व में है क्या, जो एक ही ओर है ये आपके क्या होते हैं, संगत कोण बेटा, तीन बराबर क्या चार, अगर ये समांतर रेखा के नीचे तो ये भी नीचे, ये समांतर रेखा के ऊपर तो ये भी ऊपर, ठीक है, पांच तो छह और सात तो आठ, ठीक है, तो ये आपके होते हैं संगत कोण। तो क्या हो जाएगा बेटा पहले का आपका, पहले में आप क्या लिख देंगे इसमें, संगत कोण क्या हो जाएंगे आपके साथ, आपके हो जाएंगे एक के साथ क्या हो जाएगा पांच, कोण एक और कोण पांच, ये आपके संगत कोणों का युग्म है, ठीक है। और भी आप लिखना चाहें तो और कौन सा युग्म है संगत कोणों का, एक के साथ पांच है तो दो के साथ क्या है बेटा, कोण दो और कोण छह संगत कोणों का युग्म, और क्या है बेटा चार और आठ, कोण आठ यानी कि कोण चार और कोण आठ बेटा, और कोमा लगा दिया हमने, तीन के साथ क्या है बेटा तीन और कौन सात, ये आपके संगत कोणों के युग्म है बेटा, कौन से संगत कोणों के युग्म, ये बेटा कोण का निशान है ये, ठीक है, तो ये आपके संगत कोणों के युग्म हो गए बेटा, पहला पार्ट हो गया। उसका देखिए उसने सेकंड पार्ट क्या पूछा, सेकंड पार्ट में उसने मुझसे पूछा शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म, क्या पूछा बेटा शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म, सेकंड पार्ट में उसने मुझसे पूछा है शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म, शीर्षाभिमुख कोण हमने पढ़े थे जो एक्स बनाते हैं, जो एक्स से जो बने होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, तो शीर्षाभिमुख ये जिनके सिरे मिले होते हैं बेटा, जिनके सिरे मिले वो शीर्षाभिमुख कोण, तो एक के साथ क्या हो गया तीन, एक और तीन, युग्म का मतलब बेटा होता है जोड़ा, एक के साथ तीन, दो के साथ क्या आ गया कोण दो और कोण चार, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और बेटा पांच के साथ क्या हो गया सात, कोण पांच और कोण सात, ये शीर्षाभिमुख, और आठ के साथ क्या हो गया बेटा छह, कोण छह और कोण आपके
छह के साथ क्या बेटा आठ, ये आपके कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कौन हो गए बेटा। और उसके बाद उसने हमसे पूछा तीसरे भाग में एकांतर अंत्य कौन, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कौन से पूछे बेटा थर्ड पार्ट में उसने मुझसे एकांतर अंत्य कौन का युग्म। तो थर्ड पार्ट है देखिए बेटा एकांतर कोणों का युग्म, एकांतर कोण मैंने आपको बताए गए थे कि समांतर रेखा जब होती हैं और जो जेड बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं जेड बनाते हैं, जेड के अंदर बने होते क्या होते हैं आपके एकांतर कोण। तो मैंने आपको बताया था जब आपको अभी स्क्रीन चल रही थी वर्कशीट के अंदर कि वो जेड उल्टा भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, ये और ये उल्टा भी तो जेड हो सकता है। तो कौन कौन से एकांतर कोण है बेटा, दो के साथ हो जाएगा आठ, कोण दो और कोण आठ, ठीक है, और तीन के साथ क्या जाएगा बेटा पांच, और आपका जाएगा कोण तीन और कोण पांच, ये क्या बना रहे हैं जेड, ये भी जेड बन रहा है बेटा इधर को दो और आठ का, और तीन और पांच का भी जेड बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके एकांतर कोणों का युग हो गया। आगे उसने पूछा है त्रिक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का युग्म, चौथा पार्ट बेटे देखिए त्रिक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का युग्म, अंत्य कोणों का युग्म बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा त्रिक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण, अंत्य कोण यानी कि अंदर समांतर रेखा के बीच में, तो दो और पांच और तीन और आठ, कोण दो और कोण पांच, और क्या हो जाएगा बेटा दो और पांच और तीन और आठ और कोण तीन और कोण आठ बेटा, ठीक है। इस तरह से आपके पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है बेटा, बेटा दूसरा क्वेश्चन कहता है फिगर आपको दे रखी आकृति, कहता है पी इसमें समांतर है क्यू के, पी समांतर है किसके क्यू के, यानी कि इनके बीच की दूरी सदैव क्या है बराबर है। तो कहता है आपको ये जो कोण है ए बी सी डी ई एफ इनके जो कोण के मान है वो ज्ञात कीजिए, कोणों के माप ज्ञात। तो देखिए पहले किस तरह से हम करेंगे इसको, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं कहता हूँ ये एक ही रेखा और बने हुए, एक ही रेखा और बने हुए, एक ही रेखा और बने हुए, तो उनका योग कितना होगा 180 होगा, ई प्लस 125 का जोड़ कितना होगा 180, क्योंकि हम जानते हैं एक ही रेखा पर जो कोण होते हैं वो संपूरक कोण होते हैं, 180 उनका जोड़ होता है, कौन से कोण है जी रेखिक युग्म बेटा, क्या बोलते थे इनको रेखिक युग्म, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था इनको कि जो एक ही रेखा पर कोण बने होते हैं वो रेखिक युग्म होते हैं, उनका जोड़ 180 होता है, 125 को उठा दे का हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, कितने बचे ये बचे आपके 55 डिग्री, ठीक है, और E बराबर किसके होगा F के, F बराबर होगा E के, और E कितना है हमारा 55 आ चुका है, E F के बराबर क्यों होगा क्योंकि इनके सिरे मिल रहे हैं बेटा, और जिनके सिरे मिल रहे होते हैं क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, कौन से कोण होते हैं बेटा शीर्षाभिमुख कोण होते हैं बेटा, ठीक है F आ गया हमारे पास। अब D बराबर 125 होगा, D बराबर 125 क्यों होगा जी, D बराबर 125 इसलिए होगा क्योंकि ये संगत कोण है, ये समांतर रेखा के ऊपर ही एफ बना रहे, देखिए एफ एफ बनेगा नहीं बनेगा, तो ये समांतर रेखा के ये भी ऊपर और ये भी ऊपर है, तो जो एक ही साइड में होते हैं क्या होते हैं आपके संगत कोण होते हैं, ठीक। तो और इसी तरह से ए बराबर किसके होगा ई के होगा, ये भी क्योंकि ये भी क्या है संगत कोण, ये भी समांतर रेखा के ये भी ऊपर है और ये भी समांतर रेखा के ऊपर है, ए बराबर होगा ई, और ई कितना निकाल चुके हम ऑलरेडी 55, कौन से कोण है ये भी आपके संगत कोण, ठीक है बेटा। अब बी सी रह गए निकालने के लिए, तो बी बराबर किसके होगा डी के, क्योंकि ये कौन से कोण है शीर्षाभिमुख, क्योंकि इनके क्या मिल रहे हैं बेटा सिरे मिल रहे हैं, ठीक है। फिगर आप बार बार लाइन नहीं खींचना अपनी फिगर पे, मैं तो बताने के लिए खींच रहा हूँ, बी बराबर हो गया डी के, और डी कितना निकाल चुका हूँ ऑलरेडी 125 डिग्री, क्यों हो गया बी डी के बराबर क्योंकि इनके बेटा क्या मिल रहे हैं सिरे मिले हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है। और सी बराबर होगा ए के, सी बराबर होगा ए के, और ए कितना हमारा 55 डिग्री, ठीक है बेटा, ये भी क्या होंगे हमारे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख
मुख कौन होंगे बेटा। ठीक, यही तो पूछा था उसने कि ए बी सी डी ई एफ के मान बताइए, ए कितना हो गया 55, बी कितना हो गया 125 और सी कितना हो गया आपका 55, डी कितना हो गया 125, ई कितना हो गया 55 और एफ कितना हो गया आपका 55। इस तरह से आपके सारे मान बेटा आगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो कितने कोण बनेंगे। ठीक है, दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो कितने कोण बनेंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, चार कोण बनते हैं। तो कितने कोण बनते हैं आपके, आंसर तीसरे का आंसर आपका हो गया 4। कितने का आंसर कितना हो गया बेटा 4, ऐसे लिखवाता हूँ आपको 4। कितने कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट आपकी पूरी होगी आज की वर्कशीट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।